देखो मार्वल के पास ना बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन मार्वल ने सिर्फ मेरे को लगता है 4 या 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका फुल पोटेंशियल उन्होंने यूज किया है। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका, थानोस से फाइट करवाई और उसके बाद में एंड गेम में हमें क्या ही एपिक फाइट देखने को मिली थी, वो भी म्योलनियर के साथ। तो कह सकते हैं कि मार्वल ने कैप्टन अमेरिका की पोटेंशियल का अच्छी तरह से निचोड़ निकाला है। सेकंड है आयरन मैन। मार्वल ने आयरन मैन का भी काफी अच्छा पोटेंशियल यूज किया। आयरन मैन ने अल्ट्रॉन को बनाया, विजन को बनाया, थानोस के साथ काफी अच्छी फाइट करवाई और स्नैप की वजह से तो हम उनके हार्डकोर फैन है। थोर, देखो इसके पीछे ना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि मार्वल ने अभी तक थोर का जितना भी पोटेंशियल यूज किया है मुझे लगता है वो इनफ है, क्योंकि मार्वल अपने कैरेक्टर का मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल तभी यूज करता है जब उस कैरेक्टर को खत्म करना हो, जैसे आयरन मैन, जैसे कैप्टन अमेरिका। तो वेट कर लेते हैं यार। और पहले नंबर पे है स्पाइडरमैन। अच्छा कैसे, मुझे नहीं पता मार्वल ने स्पाइडरमैन की पावर्स का कितना ज्यादा यूज किया है, लेकिन मार्वल ने स्पाइडरमैन की मूवीज बना के इतना सारा पैसा कमाया है ना। स्पाइडरमैन की मूवीज का अगर तुम कलेक्शन देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मार्वल ने किस तरह से उसका पोटेंशियल यूज किया है।